हम लोग बात कर रहे थे कि 2s, 2px और 2py कंसेक्यूटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करेंगे। अब जब एक दो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे तो नया बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? sp2। हर एक पे एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और हर एक का नाम क्या होगा? sp2 and sp2, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्टेट। अब यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में और sp2 में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि sp3 में 2pz भी इंटरमिक्सिंग करता था, यहां पर 2pz इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब 2pz का sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। पहले तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, कंसेक्यूटिव एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं जिनमें हर एक का नाम होगा sp2 और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें।